फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स द प्रिंसेस। तो कहानी की शुरुआत में हमें कैस्टल दिखाया जाता है, जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक राजकुमारी है, और वो काफी समय से बेहोशी की हालत में है और उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। और तभी राजकुमारी यानी कि प्रिंसेस को होश आ जाता है और उसे कुछ कुछ याद आता है जो उसके साथ हुआ था। दरअसल कुछ सैनिकों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर बेहोशी की कोई दवा खिला दी थी और फिर वो बेहोश हो गई थी, और उसके बाद अब उसे होश आया है और अब वो कैस्टल की सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे में कैद है। और तभी उसे कुछ सैनिकों के आने की आवाज आती है, और जैसे ही वो सैनिक कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं कि प्रिंसेस अभी भी बेहोश है। और फिर वो सैनिक आपस में बात करते हैं कि यही वो प्रिंसेस है जिसकी शादी सर जूलियस से होनी है। और फिर ये सोचकर कि प्रिंसेस सो रही है तो वो सैनिक नींद में ही प्रिंसेस का फायदा उठाने के इरादे से उसके पास जाते हैं, पर तभी प्रिंसेस उठ जाती है और अपने सर से वो सैनिक को मारती है और उठकर खड़ी हो जाती है। तो सैनिक उसे वापस बेड पर लेटने को कहता है, पर प्रिंसेस तभी जोर से चीखते हुए अपने हाथ के अंगूठे की हड्डी को तोड़ देती है और हथकड़ी को एक हाथ से निकाल देती है, और फिर पास आ रहे सैनिक को वो हथकड़ी के दूसरे हिस्से से मारती है, और फिर वो वापस अपने अंगूठे की हड्डी को सही करती है। और फिर प्रिंसेस की सैनिक से फाइट होती है, जिसमें पहले तो सैनिक प्रिंसेस पर हावी होता नजर आता है, पर प्रिंसेस अपनी हेयर पिन निकाल कर उस सैनिक की आंख में घुसा देती है, जिससे वो सैनिक वहीं मारा जाता है। और फिर अब दूसरा सैनिक आता है जो प्रिंसेस को मारता है, पर फिर प्रिंसेस मरे हुए सैनिक की आंख से निकाल के हेयर पिन से ही इस सैनिक को भी मार मार कर घायल कर देती है, और फिर वो उसे किक मारकर विंडो से नीचे फेंक देती है। और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि प्रिंसेस कोई आम प्रिंसेस नहीं, बल्कि वो एक वेल ट्रेन्ड वॉरियर है। और फिर प्रिंसेस मरे हुए गार्ड से चाबी लेके अपनी हथकड़ी खोल लेती है। तभी कमरे में एक और सैनिक आता है, जिसे भी प्रिंसेस एक हथौड़े से मार गिराती है। और अब प्रिंसेस कमरे का दरवाजा खोलकर एक फ्लोर नीचे आती है और एक दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ की विंडो से वो देखती है कि उनके पूरे महल पर किसी ने कब्जा कर लिया है और पूरे कैस्टल में अब उनके दुश्मनों के ही सैनिक जगह जगह घूम रहे थे, और उन्होंने राजा रानी और उनकी छोटी बेटी को भी बंदी बना लिया था और बड़ी बेटी यानी की प्रिंसेस को कैद कर रखा था। और जिसने इन सबको बंदी बनाया था उसका नाम जूलियस था, और अब वो जबरदस्ती प्रिंसेस से शादी करना चाहता था। जूलियस के साथ उसकी सबसे खास वॉरियर भी है, जिसका नाम मोयरा है, और उसके पास एक खास तरह का हंटर भी है, और वो हंटर चलाने और लड़ने दोनों में ही माहिर है। और अब ये सब देखकर प्रिंसेस काफी उदास हो जाती है और उसके आंसू छलक उठते हैं, और प्रिंसेस यहाँ एक सोच में डूब जाती है। और कहानी एक छोटे से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि प्रिंसेस और जूलियस की शादी होने वाली थी, और चूंकि राजा यानी कि प्रिंसेस के पिता का कोई लड़का नहीं था, इसलिए उन्होंने जूलियस को अपना दामाद बनाने और फिर उसे ही उनकी प्रजा का राजभार देने की घोषणा करी थी। पर प्रिंसेस जूलियस को जरा भी नहीं पसंद करती थी, और इसीलिए ही वो उनकी शादी के वक्त ही सबसे माफी मांगकर बिना शादी करे ही वहाँ से चली जाती है। इस बात से जूलियस बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, और तभी कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और बताया जाता है कि कोई उस कमरे में आता है जिसमें प्रिंसेस है, और इसीलिए प्रिंसेस वहीं रखे एक टब में भरे पानी के अंदर ही जाके छिप जाती है, और काफी समय तक वो पानी के अंदर ही सांस रोककर पड़ी रहती है। और उस सैनिक के जाते ही वो पानी से बाहर निकलती है और अपनी ड्रेस जो कि काफी लंबी थी और उससे प्रिंसेस को बहुत परेशानी हो रही थी, तो वो उस ड्रेस को नीचे से पूरा फाड़ देती है और खुद को लड़ने के लिए तैयार करती है और उस कमरे से बाहर निकलती है। पर कमरे से बाहर निकलते ही वो देखती है कि वहाँ हर तरफ सैनिकों की फौज है जो हर तरफ फैले हुए हैं, जिनसे वो बचते हुए वापस पीछे जाती है, जहाँ उसे वही गार्ड वापस मिलता है जिससे वो कमरे में पहले टब में छुपकर बची थी। पर प्रिंसेस को गले से पकड़कर वो उठा लेता है, पर प्रिंसेस किसी तरह से खुद को छुड़ाती है और उस पर हमला करती है, पर वो गार्ड बहुत मजबूत था और उसे प्रिंसेस की मार का कोई फर्क नहीं पड़ता। तब प्रिंसेस उसका मास्क पलटा देती है, जिससे उस गार्ड को दिखाई देना बंद हो जाता है, और फिर प्रिंसेस उसी मास्क को निकाल कर मास्क पे लगे सींग से ही उस गार्ड को मार देती है। और अब प्रिंसेस उस मास्क को देखती है जो उसके हाथों में अब भी है, तो उसे कुछ याद आता है और कहानी वापस से एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां प्रिंसेस का बचपन दिखाया जाता है, जब वो ऐसा ही एक मास्क लगाकर एक वॉरियर की तरह लड़ना सीखा करती थी और उसे ये सब लिन सिखाती थी, जो उनकी ही सेना की एक सबसे काबिल वॉरियर भी थी। लेकिन एक दिन प्रिंसेस की माँ यानी कि रानी ये सब देख लेती है और वो प्रिंसेस से पूछती है कि वो ये सब क्या कर रही है, तो प्रिंसेस कहती है कि वो भी लिन की जैसे ही एक वॉरियर बनना चाहती है। तो रानी जो कि गर्भवती भी है वो कहती
कहती है कि ये सब करने की और सीखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और अगर ये सब तुम सीख भी लोगी तो ये कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि जल्दी मैं एक लड़के को जन्म देने वाली हूँ जो आगे चल के यहाँ का वारिस होगा। पर प्रिंसेस की गुरु यानी कि लिन रानी से कहती है कि प्रिंसेस बहुत ही स्मार्ट है और उसमें वो सारे गुण हैं जो कि एक असली वॉरियर में होते हैं, और अगर वो ये सब सीखेगी तो आगे चलकर वो एक बहुत काबिल योद्धा बन सकती है। तो रानी कहती है कि अगर ऐसा है तो प्रिंसेस सीख सकती है, पर यहाँ नहीं, कैस्टल के बाहर, क्योंकि राजा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लड़कियां ये सब करें। और फिर रानी की ये बात सुनकर प्रिंसेस और लिन दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर प्रिंसेस सीखते सीखते अब बड़ी हो जाती है, और इतने सालों में प्रिंसेस अब एक वॉरियर बन चुकी थी। पर अभी उसकी एक परीक्षा बाकी थी और उसकी गुरु यानी कि लिन उसे उसके भी गुरु से जिसका नाम खाई है उनसे लड़ने के लिए कहती है, और अब लिन और खाई दोनों प्रिंसेस पर हमला करते हैं और प्रिंसेस को पटक देते हैं, जिसके बाद प्रिंसेस फिर उठती है और अब की बार पूरे फोकस से वो खाई को पटकनी दे देती है। और फिर खाई लिन से कहते हैं कि तुमने सही कहा था, प्रिंसेस सच में एक सच्ची योद्धा है। और फिर खाई उपहार में प्रिंसेस को एक खास तलवार देते हैं जो कि उन्होंने एक सच्चे योद्धा को देने के लिए अब तक संभाल कर रखी थी। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां प्रिंसेस अब किसी तरह से छुपते छुपाते उस कमरे में पहुंचती है जहां उसने एक बक्से में उसके परम गुरु खाई द्वारा दी तलवार रखी थी, और अब वो उस तलवार को निकालती है और वो वहां वॉरियर वाले शूज भी पहनती है ताकि उसे लड़ने में आसानी हो। और दूसरी तरफ सैनिकों को एक मरा हुआ सैनिक मिलता है जिसे देख के जूलियस कहता है कि इसे किसने मारा है। तो उनका सेनापति कहता है कि मैंने पूरा कैस्टल खाली करा दिया है और अब यहाँ कोई नहीं है, राजा रानी भी बंदी है और प्रिंसेस भी सबसे ऊपरी मंजिल में हथकड़ी में कैद है। पर जूलियस के साथ ही वहाँ मोयरा भी थी, वो कहती है कि इसके शरीर के घाव ये बता रहे हैं कि इसे किसी असली वॉरियर ने मारा है। तो जूलियस कहता है कि जाओ और देख कर आओ कि प्रिंसेस कमरे में है या नहीं, और फिर उसका सेनापति एक मोटे सिपाही को प्रिंसेस को देखने सबसे ऊपरी मंजिल पर भेजता है, और बड़ी ही मुश्किल से वो मोटा सैनिक ऊपर जाता है और दरवाजे के की होल से ही झांक कर देखता है, जहां उसे नजर आता है कि एक सैनिक चेयर पर बैठा था और प्रिंसेस बेड पर सो रही थी। पर दरअसल वो प्रिंसेस नहीं थी बल्कि वो दोनों ही गार्ड्स थे जिन्हें प्रिंसेस ने सबसे पहले मारा था और उन्हें कमरे में इस तरह से जमा दिया था ताकि किसी को शक ना हो। और यहाँ कुछ ऐसा ही होता है, वो मोटा सैनिक ये समझकर वापस लौट जाता है कि प्रिंसेस कमरे में ही है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस जिसे कैस्टल के सारे खुफिया रास्ते पता है, वो उन रास्तों के जरिए कैस्टल में अब नीचे की ओर जाती है, पर जैसे ही वो रास्ता खत्म होता है तो प्रिंसेस वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहाँ उसे एक स्टैचू नजर आती है, पर वो स्टैचू प्रिंसेस पर हमला कर देती है। दरअसल वो स्टैचू नहीं बल्कि एक गार्ड था, और फिर प्रिंसेस और गार्ड की आपस में काफी लड़ाई होती है, पर प्रिंसेस की मार का उस गार्ड पे कोई असर ही नहीं होता है क्योंकि वो एक मोटी परत के कवच में था, पर प्रिंसेस उस पर वही रखा मिट्टी का तेल फेंककर उसको आग लगा के जला देती है। तभी दूसरी तरफ जूलियस का वो मोटा गार्ड आकर बताता है कि प्रिंसेस कमरे में ही है, और तभी आग में झुलसा हुआ वो गार्ड भी नीचे आ गिरता है, और ये देखकर जूलियस उसके सेनापति पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि कैस्टल को फिर से चेक करो और उसे पकड़ कर लाओ जो हमारे सैनिकों को मार रहा है। जिसके बाद सारे सैनिकों को कैस्टल में उस शख्स को ढूंढने भेजा जाता है जो उनके सैनिकों को मार रहा है, और आखिरकार सैनिक प्रिंसेस को देखते हैं जो उनकी कैद से आजाद हो चुकी थी, और अब सब मिलकर प्रिंसेस पर हमला करते हैं, और प्रिंसेस भी एक एक करके सबसे यहाँ पर लड़ती है, जिसमें प्रिंसेस को भी कुछ तलवारें लग जाती है और वो घायल हो जाती है, पर फिर भी वो लड़ती है। और अब प्रिंसेस अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और अपना मोतियों का हार तोड़कर सीढ़ियों पर मोती बिखेर देती है, जिससे सभी सैनिक मोतियों पर पैर पड़ते ही फिसल के गिर जाते हैं, और फिर वो आगे बढ़ती है और आगे के सैनिकों से लड़ती है और एक एक सैनिक को वो वहाँ मारती है, और इस तरह से वो वहाँ आधे से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर देती है। पर तभी और भी काफी सारे सैनिक वहाँ आ जाते हैं और वो प्रिंसेस पर हमला करते हैं, और इस हमले में प्रिंसेस को और भी कई तलवारें लग जाती हैं और वो घायल हो जाती है, और इतना घायल हो जाने की वजह से ही यहाँ अब प्रिंसेस कमजोर सी पड़ने लगती है, और इसीलिए वो बचने के लिए एक सैनिक को लेकर उसे बेस बनाकर ऊपर से नीचे कूद जाती है, और जाकर वो चुपके से एक कमरे में पहुंच जाती है जहां वो बेहोशी की हालत में जाकर छुप कर बैठ जाती है, और यहां पर प्रिंसेस की आंखें बंद होने लग जाती है। और कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां बताया जाता है कि राजा यानी कि प्रिंसेस के पिता उसकी शादी जूलियस से तय करने की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था जो उन्हें उनके दामाद के रूप में मिल सकता था, जो आगे उनकी गद्दी संभालेगा। और ये बात प्रिंसेस भी सुन लेती है और वो गुस्से में अपने पिता के पास जाके कहती है कि इससे बेहतर तो ये होता कि आप मुझे वॉरियर बना देते। पर प्रिंसेस के पिता एक पिछली सोच वाले इंसान है
जो ये मानते हैं कि लड़कियां ये सब करने योग्य नहीं होती हैं, और वो प्रिंसेस को कहते हैं कि उन्हें कोई चाहिए इस प्रजा को आगे चलाने के लिए। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी आपकी गद्दी। पर राजा कहता है कि मैं अपनी बच्ची को अपने दुश्मनों के सामने ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो लोग, और उनके सामने तुम तो ठीक तरह से अपना बचाव तक नहीं कर सकोगी, क्योंकि एक लड़की में एक लड़के जैसी शक्ति नहीं होती है। और फिर राजा कहता है कि तुम्हें शादी करनी ही होगी और ये मेरा अंतिम निर्णय है। और फिर यहाँ से वापस से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, और अब प्रिंसेस की आँख खुलती है तो उसे पर्दे के बाहर एक परछाई नजर आती है, तो वो उस पर अटैक कर देती है। पर वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस की गुरु लिन थी, जो यहाँ प्रिंसेस की मदद के लिए छुपते छुपाते किसी तरह से आई थी। और अब लिन प्रिंसेस के जख्मों पर मरहम भी लगाती है, और तब लिन प्रिंसेस को बताती है कि जूलियस ने आधी रात में हम पर हमला कर दिया था जब सब सो रहे थे। उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, सारे सैनिक मारे गए, मगर मैं किसी तरह से वहां से बचकर निकल गई। और अब प्रिंसेस कहती है कि ये सब मेरी एक गलती के कारण हुआ है, अगर मैं जूलियस से शादी कर लेती तो शायद ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। पर लिन प्रिंसेस से कहती है कि तुमने जो भी किया वो सही था, और शादी कर लेने से भी वो इंसान नहीं बदलता, कम से कम शादी ना करने से उसका असली रूप तो तुम्हें नजर आया। इसके बाद लिन बताती है कि तुम्हारी फैमिली को जूलियस ने कैद खाने में रखा है, जहां हम सिर्फ गटर के रास्ते से ही जा सकते हैं। और अब प्रिंसेस और लिन साथ निकल पड़ते हैं गटर के रास्ते की तरफ, पर बीच में ही उन्हें एक बड़ा हॉल पार करना था जहाँ काफी सारे गार्ड्स थे, जो उनकी महल की ही एक दासी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, और उसे बचाने के लिए प्रिंसेस और लिन मिलकर उन पर हमला कर देती है। और फिर वो दोनों एक एक करके वहाँ सभी गार्ड्स को मार देती है, पर अंत में वहाँ पर मॉयरा आ जाती है, और फिर वो दोनों मॉयरा से लड़ते हैं, पर मॉयरा के चाबुक के आगे वो दोनों कमजोर पड़ने लग जाते हैं, और मॉयरा प्रिंसेस को भी गले में चाबुक लगा के फांसी पर लटका देती है। और यहाँ प्रिंसेस की जान जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर लिन आकर मॉयरा पर हमला करती है और प्रिंसेस को बचा लेती है, और वहाँ आग लगा के मॉयरा को वापस आगे आने से रोक देती है। और फिर वो प्रिंसेस से कहती है कि समय कम है, तुम जाओ और अपनी फैमिली को कैद खाने से छुड़ाओ, पर प्रिंसेस मना करती है और वो लिन को छोड़कर नहीं जाती है। तो लिन जबरदस्ती प्रिंसेस को वहां से भेजती है और खुद अकेले ही मॉयरा को रोकती है, और अब प्रिंसेस गटर के रास्ते से आखिरकार नीचे कैद खाने पहुंच जाती है, जहां कई सारे गार्ड्स भी थे जिनसे प्रिंसेस एक असल वॉरियर की तरह लड़ती है, और एक एक करके वो वहां सबको मार गिराती है। और ये सब कुछ प्रिंसेस के पिता और माँ भी हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता था कि प्रिंसेस एक इतनी अच्छी वॉरियर भी है। जिसके बाद प्रिंसेस अपनी फैमिली को वहां से छुड़ा लेती है, लेकिन जब वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं तभी कुछ गार्ड्स वहां आ जाते हैं और प्रिंसेस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। और फिर जब प्रिंसेस को होश आता है तो वो खुद को और उनकी फैमिली को बंधा हुआ पाती है, और वहीं पर लिन भी थी और उसे भी मॉयरा ने आखिरकार पकड़ लिया था। और तब जूलियस प्रिंसेस से कहता है कि देखो तुमने ये सब क्या कर दिया, अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ नहीं होता। और फिर जूलियस कहता है कि कोई बात नहीं, हम अब भी शादी कर सकते हैं। पर प्रिंसेस जूलियस को कहती है कि अगर मैं तुमसे शादी कर भी लूंगी तो उसके बाद हर दिन बस मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं तुम जैसे राक्षस को जान से मार दूं। और फिर प्रिंसेस जूलियस को हाथ में कार्ड भी लेती है, जिसके बाद जूलियस कहता है कि शादी तो मुझे करनी है, या तुमसे या तुम्हारी छोटी बहन से। पर उसी दौरान प्रिंसेस झटके से छूट जाती है और गार्ड्स पर हमला कर देती है, और उसी अफरा तफरी में लिन वहां से प्रिंसेस की छोटी बहन को छुपाकर वहां से ले जाती है। और चूंकि प्रिंसेस के हाथ बंधे थे इसीलिए वो लोग प्रिंसेस को वापस आसानी से पकड़ लेते हैं और ऊपर की खिड़की से उसे नीचे फेंक देते हैं, और नीचे वहां गहरा समुन्दर था जिसमें जाकर प्रिंसेस गिरती है और नीचे तल तक चली जाती है। पर चूंकि प्रिंसेस एक असल योद्धा है इसीलिए वो देर तक सांस रोक के रखने में भी माहिर है, और अब प्रिंसेस को तल में ही खिड़की का टूटा हुआ एक कांच का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो अपने हाथ की रस्सी काट देती है और वापस से पानी के बाहर आ जाती है। और फिर वो खुफिया रास्तों से वापस से कैस्टल में दाखिल हो जाती है, जहां उसका सामना वापस से एक सैनिक से होता है। पर तभी सैनिक के बगल का स्टैचू उस पर गिर जाता है, और ये स्टैचू प्रिंसेस की छोटी बहन ने ही गिराया था, क्योंकि वो उसी के अंदर छुपी हुई थी। और तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है, जो प्रिंसेस को एक बार फिर से जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। और फिर वो लोग वहाँ से एक खुफिया कमरे में जाते हैं, जहाँ उनके कैस्टल के हथियारों का स्टोरेज था, और यहाँ से वो अपनी जरूरत के हथियार लेते हैं और प्रिंसेस की बहन को वहीं छुपा देते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कैस्टल में सब प्रिंसेस की छोटी बहन को ढूंढने में लगे हुए थे, ताकि उसकी शादी जूलियस से हो सके। और अब प्रिंसेस और लिन खुलेआम बाहर आ जाती है
और जूलियस के सिपाहियों से लड़ने लगती है ताकि वो फिर अपनी फैमिली को बचा सके। और एक बार फिर से प्रिंसेस को जिंदा देखकर जूलियस कहता है कि ये बार बार न जाने कैसे बच जाती है। और तभी जूलियस को प्रिंसेस की छोटी बहन भी मिल जाती है और वो पादरी से उनकी शादी कराने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ लिन और प्रिंसेस ने मिलकर लगभग जूलियस की सारी फौज अब खत्म कर दी थी और अब वो अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर मोयरा आ जाती है और अब मोयरा और प्रिंसेस की फाइट होती है, पर मोयरा प्रिंसेस को अपने पास तक नहीं आने देती है और प्रिंसेस बचते हुए एक पिलर के पीछे छिप जाती है। और अब वो चालाकी से मोयरा के करीब आती है और उसी का हंटर उसके गले में फंसाकर उसे फांसी पर लटका देती है। और दूसरी तरफ कैस्टल के अंदर लिन कुछ सैनिकों से लड़ रही होती है, तभी पीछे से आकर जूलियस लिन को तलवार घोपा कर मार देता है और सब चिल्लाते हैं लिन लिन। और ये आवाज सुनकर प्रिंसेस तुरंत कैस्टल के अंदर आती है जहां उसे लिन अंतिम कुछ सांसें गिनते दिखती है। और अब प्रिंसेस जूलियस से लड़ती है और तभी पीछे से लिन के गुरु यानी कि खाई लिन को पीछे से चुपके से उठा के वहां से ले जाते हैं। और प्रिंसेस और जूलियस की लड़ाई में जूलियस सामने लड़ते हुए धोखे से अपने दूसरे हाथ में रखा खंजर प्रिंसेस को मार देता है जिससे प्रिंसेस काफी घायल हो जाती है। और अब भी घायल हालत में भी प्रिंसेस जूलियस से लड़ने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन जूलियस उस पर हावी पड़ता है क्योंकि प्रिंसेस घायल थी। और अब जूलियस प्रिंसेस को बाहर सबके सामने लाता है मारने के लिए और वो सबसे कहता है कि देख लो यही हर्ष होगा जो भी मुझसे टकराएगा, देखो कैसे तुम्हारी प्रिंसेस मेरे पैरों में पड़ी है। और तभी प्रिंसेस तेजी से जूलियस की तलवार उससे छीन कर फुर्ती से उसी का गला काट देती है और जूलियस यहाँ पर खत्म हो जाता है। और फिर प्रिंसेस अपने पिता यानी कि राजा का मुकुट उठाकर उन्हें देती है और कहती है कि ये राज्य एक बार फिर हमारा हो गया डैड। और यहीं पर राजा ये ऐलान करता है कि आज हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल गया है जो अब से ये राज्य संभालेगा और वो उत्तराधिकारी और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस है। और अब से राज्य की सभी बेटियां अपना भाग्य खुद लिखेंगी और वो सब कर सकेंगी जो वो करना चाहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज मेरी बेटी ने करा है। और फिर राजा प्रिंसेस से भी माफी मांगता है और कहता है कि मैं गलत था जो मैंने तुम पर भरोसा नहीं करा, पर आज मैं और हमारा पूरा साम्राज्य तुम्हारा कर्जदार हो गया है और मुझे आज अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। और अपने पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है। और तभी प्रिंसेस को उसकी गुरु यानी कि लिन दिखाई पड़ती है और वो भागकर लिन के गले लग जाती है क्योंकि लिन मरी नहीं थी बल्कि उसे बचा लिया गया था। और यहीं पर लिन भी प्रिंसेस को कहती है कि आखिरकार तुमने कर दिखाया, तुम एक सच्ची वॉरियर हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।